अज इत्थे डीएवी कॉलेज दे विच डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी होशियारपुर वालों विजुअली इंपेयर बच्चों का एक क्रिकेट टूरनामेंट कराया जा रहा है। इस टूरनामेंट दे विच तीन टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक टीम चंडीगढ़ तो, एक जम्मू तो, एक पंजाब की टीम है। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सोसाइटी वालों लिया गया है जिथे इन्ह बच्चों खेडन का मौका दिता जा रहा है जिन्होंने शायद कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता खेडन का। मैं सोसाइटी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स की होशियारपुर एडमिनिस्ट्रेशन वालों बहुत शलाघा की जाती है। जिथे भी किसी भी बैकवर्ड क्लास में ज पिछड़े हुए बच्चों जिन्होंने उस सेम प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उन्होंने एक लैवल प्लेइंग फील्ड देना बहुत अच्छी गल है। इतने बच्चे जिथे मिल के खेडेंगे उन्होंने आपसी वो भी बदना, एक स्पोर्ट्समैनशिप भी बदनी है। मैं बहुत अच्छा लगे मिल के बच्चों तो वक्त वक्त थावान जॉब्स भी करते हैं, पढ़ते भी नहीं है, डिफरेंट एज ग्रुप है बच्चों ना, तो मिल के इतने खेडन लिए आए हैं। मैं एक बार फिर सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तो उन्होंने बहुत बहुत बधाई भी देने बच्चों ने भी जो भी इस पार्टिसपेट कर रहा उन्होंने बहुत बहुत मुबारक दे। देखो मैं तो यूथ को यही मैसेज देना चाहवागी कि नशा जो है केवल उस यूथ को जो उस बच्चे नहीं खराब करता, उसके पूरे परिवार को तो सारी पीढ़ी को खराब करता है। एक बच्चा जो भी नशे वाल चला जाता है उसके लिए उसके पीछे सारा परिवार खराब होता है, सारा परिवार रोता है। पर ये फिर भी इस तरह की कोई बीमारी नहीं है जिस तो बाहर नहीं निकला जा सकता, जब बचा नहीं जा सकता। बिल्कुल इलाज योग एक असी कह सकते हैं बीमारी है जब फिर इस तो बाहर निकल सकते हैं। मैं सारे नु ये मैसेज देना चाहूँगी कि सब तो पहला तो जो भी नशा करते हैं उन्होंने खिलाफ असी किसी तरह का स्टिग्मा ना रखिए कि इस दिन असी गल नहीं करनी, पूछना नहीं या किसी दसना नहीं। इन्हों व्यक्तियों सब तो ज़्यादा लौड़ होंगी है साढ़े सहारे की, परिवार वाले के परिवार प्यार की कि वह प्यार इन्हों समझा सकन। सरकार वालों भी वक् वक् मुहिम लॉन्च की जा रही है जिथे पुलिस प्रशासन वालों बहुत सख्ती वरती जाती है कि नशे के खिलाफ ना नशा किया जाए, किसी तरह के भी नशे की पेडलिंग ना हो। उत्थे ही सरकार वालों नशा छुड़ाओ केंद्र रीहैबिलिटेशन सेंटर भी खोले गए हैं। किसी को भी इस तरह की कोई भी दिक्कत है तुसी आके सरकार वाल एक मदद का हाथ बधा सकते हो, तो सरकार बिल्कुल तुहाडी पूरी पूरी मदद करेगी। देखो सरकार वालों स्पेशल स्कूल्स भी चलाए जाते हैं, स्पेशल स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं, स्पेशल ओलंपिक्स भी होंगे हैं, पैरालंपिक्स भी होंगे हैं, स्कीम्स बहुत सारी है। पर साडा एक नागरिक वजो ये साडा फर्ज बन जाता है कि असी सारे एक लैवल प्लेइंग फील्ड देिए, किसी के नाल भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमीनेशन ना करिए, ताकि ये भी सोसाइटी के अपने आप को सोसाइटी का हिस्सा समझे। हाँ जी, मैं डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी की मैंबर, तो बहुत ही धन्यवाद करना चाहिए साडे मीडिया का भी सब का जिन्होंने ये मैच जिहड़ा है पूरा मतलब कि दिखाया सारियां नूं। बट एक ही कमी लग रही है, मैं पहला भी दस्या सीगा, सो होशियारपुर निवासियों नूं मैं अपील करना चाहती हूँ, सो प्लीज़ तुसी आके मैच देखो, ग्राउंड में आओ, उन्होंने मोटीवेट करो। तो बाकी भी तुसी मैचेस देखन जांदे आ, होर तुहाडे किन्ने प्रोग्राम्स होंगे इधर उधर मैच देखने जाने, सो इतने भी जरूर आओ। देखो स्पैशल हैगे आ किस तरह खेडते हैं, तुम्हें भी कभी नहीं देखा होगा एवें का मैच, सो इन्हों जरूर तुम उत्साहित करो आके। हाँ जी, सुरिंदर सिंह सोता, डिसेबल परसन वेलफेयर सोसायटी का जनरल सकत्र। तो असं यह टूरनामेंट करा रहे हैं वाला 8 to 10 दिसंबर तक, ये साढ़ा दूसरा टूरनामेंट है जी जरा देख तो असमर्थ लोगों की क्रिकेट का। इस तो पहला भी पिछले साल आप 16 दिसंबर को किया एक दिन टूरनामेंट सेगा, तो इस वे तीन टीम भाग ले रही बख बख स्टेटों दिया, तो बड़े उन्होंने जरा प्रबंध देख के साडा बड़ा खुश हो रात इतने साढ़े ग्रह आ, तो हूँ भी उन्होंने खाण पीन का पूरा प्रबंध है सारा, तो डीसी साहब जोड़े यदा उद्घाटन करके गए हैं। तो सानू जी साड़ी सोसायटी आडे वर्ग जे विशेष समर्थाव वाले लोग ओवरऑल भलाई वास्ते आ क्रिकेट जोड़ा टूरनामेंट है एक पासा है। इस तो अलावा पूरा साल असी उन्होंने जिनी वेलफेयर कर सकते हैं, जिन्हिया समस्यावान सर्टिफिकेट बनाना या अंगहीनता का जन फौड़ियाँ चाहिए जी चेयर चाहिए, वो सारा साल असी यह काम करते रहने। सानू आस है जो समाज आ साडा बद तो बद सहयोग करूगा। धन्यवाद जी। सर अज जो मैच हो रहे हैं टीम ये जे एंड के पंजाब और चंडीगढ़ अज जो मैच जोड़ा जे एंड के चंडीगढ़ में कल ये दोनों टीमें पंजाब में खेलन गियाँ। उस तो उपरंत 10 दिसंबर एतवार को जोड़े आ टीम जन जितन गियाँ उन्हों का फाइनल मैच होगा जी। नहीं नहीं पूरे पंजाब नाल ही, बख बख पंजाब पंजाब के बख बख जिले तो है सारे जी। जी डिसेबल्ड परसन वेलफेयर सोसायटी दूसरा नेत्रहीन T20 क्रिकेट मैच करा जा रही है। ये मैच 3 दिन का है जी।
ये तीन टीम भाग ले रही जम्मू कश्मीर पंजाब तो चंडीगढ़ ये ना टूरनामेंट के जोड़े प्लेयर आए आ तीन कैटागरीज आते प्लेयर साढ़े को वी वन वी टू वी थ्री वी वन वो प्लेयर ने जिन्हों बिल्कुल नज़र नहीं आता वी टू जिन्हों थोड़ा बहुत नज़र आता वी थ्री नॉर्मल थोड़े जे होंगे लेकिन आईसाइट वीक होंगी आ यह तिना कैटागरीज के नाल जी एक टीम तैयार की गई है तो यह तीन दिन टूरनामेंट चलेगा अज का मैच जोड़ा आ जम्मू कश्मीर तो चंडीगढ़ के दरम्यान खेडिया जा रहा तो कल दोनों मैच जोड़े पंजाब के नाल ये टीम खेडेगी चंडीगढ़ तो जम्मू कश्मीर तो ये फाइनल मैच जोड़ा ऐतवार को खेडिया जाएगा। अज मैडम डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर तो प्रोफेसर मनोज कपूर ट्रिपल एम एम डी जोड़े है उन्होंने अज इस मैच का जोड़ा उद आगाज कर दिता है तो लास्ट दिन भी साढ़े चीफ गैसट डॉक्टर अनूप कुमार जी होंगे तो बच्चों अपना आशीर्वाद देंगे।